नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर समाचार। मैं रामगोपाल धनगर। देखिए हर खबर जनादेश भारत न्यूज चैनल पर सबसे तेज, सबसे पहले। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आइए एक नजर डालते हैं आज की ताजा। प्रेम मंदिर के समीप बीकानेर रेस्टोरेंट बना मौत का कुआं, 3 मजदूरों की हुई मौत। आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर। हमारे सहयोगी संवाददाता रघुवीर सिंह बघेल की है रिपोर्ट मथुरा से। वृंदावन नगर के प्रसिद्ध प्रेम मंदिर के समीप ही नवनिर्मित बीकानेर वाला शोरूम में शनिवार की सुबह बड़ा हादसा हो गया। सेवा में काम कर रहे 3 कर्मचारियों की मौत हो गई है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए है। मौत के कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही पता लग सकेगा। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं। बताया जाता है कि देश के नामी गिरामी बीकानेर वाला का करीब 10 दिन पहले शोरूम का विधिवत उद्घाटन किया गया था। शनिवार की सुबह ठेकेदार योगेश के निर्देशन में कुछ मजदूर अधूरे पड़े कार्यों को पूरा कर रहे थे। उसी दौरान शोरूम के अगले हिस्से में मौजूद टैंक में काम कर रहे 3 मजदूर हादसे का शिकार हो गए। तीनों मजदूर बेहोश होकर नीचे गिरे तो साथ में काम कर रहे अन्य लोगों ने उन्हें आनन फानन में बाहर निकाला और तुरंत एम्बुलेंस से 100 शया अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। साथ ही मजदूरों ने मृतकों की पहचान अमित गुप्ता पुत्र शिवानंद और प्रिंस पुत्र अवधेश गुप्ता के रूप में की है, जबकि तीसरे की पहचान नहीं हो सकी है। मृतक अमित और प्रिंस रिश्ते में चाचा भतीजा है। यहां बताते चले कि उक्त शोरूम पर 10 दिन पहले भी एक मजदूर की कर्ट लगने से मौत हो गई थी, जिसे शोरूम मालिक ने रसूख के बल पर दबा दिया था। बाइट शैलेश पांडे एसएसपी मथुरा, बाइट शैलेंद्र सिंह डीएम मथुरा, बाइट पंकज। ये हादसा ऐसे हुआ, टैंक में उतरे वो पाइप लगाना था काट करके, और उनके जो है कि मालिक साहब जो है कि उनको प्रेशर दे रहे थे काम के लिए, उसमें उतर नहीं रहे थे। वो कह दी से काम जो है कि रुका पड़ा था। अब उनको क्या पता उसमें लाइट कटी है क्या है। अब वहाँ जो है कि भग के कैसे भी उनको पकड़ लिया, तो भग के लाइट हम लोग काटने लगे छत पे जा करके। अब काटने लग गए, फिर भी दोबारा तीसरा जो है कि उसमें कूदा, बोल रहे हैं कि लाइट कट गया है। लाइट बिजली मैन भी बोल रहा है कि लाइट कट गया है। आखिर तीसरा उसमें गिरा कैसे, जब लाइट कट गई है तो उसमें तीसरा गिरा कैसे? तो कितने लोग नीचे तो उसमें जैसे 2 लोग गिरे थे पहले, तो उसमें तो थे ही उसमें जब उतरे है, तो तीसरा ये जब गया तो लाइट कट गया, तो फिर कैसे? वो कई बार पूछ रहा है। हम तो काम कर रहे थे मालिक के साइड से। नहीं, मालिक की साइड किस जगह काम कर रहे थे? बीकानेर पे काम कर रहे थे जी। तो बीकानेर में टैंक में उतरने के लिए किसने कहा था तुमसे? योगेश जी बोले होंगे, योगेश जी उनका मारे हो चुकी है जी। कितने लोग मर चुके हैं? अभी तो ये पहली 3 हुआ है जी। क्या नाम है उन लोगों? नहीं, इसके बाद 2-3 घटना हुआ है, लेकिन कोई मीडिया पुलिस को अभी क्या क्या नाम है उन लोगों के? एक अमित गुप्ता नाम है, एक प्रिंस गुप्ता नाम है, और मैं पंकज गुप्ता हूँ। जी जी, करंट से हुआ है, और उसमें तार कटी पड़ी थी। आखिर अगर टैंक का बास आता तो ये बताइए कि वो जो है कि हम भी तो वहाँ खड़े होते, ऊपर क्यों नहीं आ रहा था बस? सेफ्टी बेल्ट होता तो उनको खींच के तो हम निकाल सकते थे। परिजनों का आरोप है कि जो मानव के ऊपर लगा था सेफ्टी किया जाता, सेफ्टी इक्विपमेंट भी नहीं। देखिए, अभी चूंकि अभी तत्काल घटना हुई, हम लोग खुद मौके पर, हम और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय यहाँ घटनास्थल पर हम लोग उपस्थित हैं, और सारी चीज़ों की जाँच की जा रही है। और जांच में भी बिंदु शामिल रहेगा कि इस पर किसी तरह की अगर कोई लापरवाही है, जो भी लापरवाही करने वाला होगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही साथ जो परिजन है उनको आर्थिक सहायता देने के लिए भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। इस बिंदु को भी देखा जाएगा, इस बिंदु को भी हम लोग देखेंगे। वाला रेस्टोरेंट है, उसके जस्ट बाहर एक टैंक है, इसके अंदर 3 लोगों के अंदर जाने के बाद मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते तत्काल पुलिस और प्रशासन की टीमें यहाँ आई, फायर सर्विस की रेस्क्यू टीमें भी आई। 3 को हॉस्पिटल पहुँचाया गया है, जहाँ पे बताया गया कि ये इनकी मृत्यु हो चुकी है। अभी मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि किस कारण से मृत्यु हुई। प्रथम दृष्टा बट यहाँ पे स्मेल काफ़ी ज़्यादा है, तो अंदर गैस होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बट डिटेल जो मृत्यु के कारण है वो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेंगे। जो मृतक है उसमें 2 की पहचान हो चुकी है, ये दोनों जनपद बलिया के रहने वाले हैं। 1 की पहचान अभी नहीं हुई है,
इस प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। अभी जैसा मैंने बताया कि मृत्यु का कारण का जो पता है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही लगेगा, तो जैसे चीजें सामने आएंगी अकॉर्डिंगली जो आवश्यक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। अभी नाम अलग से आपको बता दिया जाएगा।